Hi everyone, welcome back to my channel Women's Talk. और I hope you all are doing really really good. आज मैं ऐसी बहुत casually बैठ करके videos बना रही हूँ. Tripod बगल में रखा हुआ है, but मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं उसमें camera रख दूँ और ऐसे बनाऊँ video. But मैंने सोचा कि नहीं, आज ऐसे बहुत ना normal तरीके से बनाते हैं video. तो yes, कैसे हो आप सब लोग, जल्दी जल्दी से बता दो comment section में. And sorry, Tuesday talk, Tuesday अगर कोई मेरा videos देखता है तो अगर आप लोगों को पता है कि मैं हर ट्यूसडे को एक वीडियो डालती हूँ ट्यूसडे टॉक के नाम से, जो कि मैंने नहीं डाला, तो उसके लिए सॉरी. और सजा हो तो कुछ दे देना आप लोग, ठीक है. तो आज है फ्राइडे. मैं मैं उसको झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी. मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मुझे ट्यूसडे के लिए वीडियो बनाना है, पहली बात. दूसरा बात कि मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं था, ठीक है, कि मैं वीडियो बनाऊं किस पर. एक होता है ना कि मैं हमेशा पूछती हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताना, और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से. मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे ही कुछ भी उठाऊँ और बस वीडियो बना दूँ, ठीक है. वो चीज़ नहीं था मेरा, और इसमें कुछ छुपाने वाली बात भी नहीं है यार. मेरा क्राउड अभी जस्ट 800 प्लस है, बहुत ऐसा नहीं बोलूँ कि 10-20-30 हज़ार मेरा व्यू आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ कि अभी इस स्टेज पर कि मेरे को एकदम से क्वेश्चन की एकदम से बाढ़ लग जाएगी, ठीक है. तो कभी कभार होता है क्वेश्चन ही नहीं होते हैं. मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था और मैं मेरे मन से कुछ नहीं बनाना चाहती थी, तो आई डिडंट अपलोडेड एनी वीडियो. मेरे को अभी कल एक मैसेज आया है, तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं ट्यूसडे तक का क्यों वेट करूं. हो सकता है मैं आज ये वीडियो अपलोड करूं, कोई और क्वेश्चन आ जाए जो मैं ट्यूसडे को अपलोड कर दूं. तो मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं ट्यूसडे टॉक. तो मैं आज फिर से बोलूंगी, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, कुछ भी मेरी राय अगर चाहते हो किसी भी टॉपिक के चलते, या किसी चीज़ में आप कहीं उलझ रहे हो, कुछ है जिसमें आपको सॉल्यूशन पता नहीं चल रहा है और आप चाहते हो कि मैं मेरी राय दूँ उस बारे में, ओपिनियन शेयर करूँ, तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट करें. और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन सब टॉपिक पर बात करना. तो आप मुझे सोशल मीडिया, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह फॉलो कर सकते हो. अबाउट में सारी ही लिंक मेंशन है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. ईमेल कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. सॉरी, जो मुझे क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ऐसा था कि जब हम दुखी होते हैं, मतलब हमारे आसपास बहुत सारे दुख हैं, वी आर सैड, तो हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, खुश कैसे रखें. वैसे तो मैं इस तरीके का वीडियो एक ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि नेगेटिव, इससे जो मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाया था उसी पर एक्चुअली ये क्वेश्चन आया. बट मुझे कल आया क्वेश्चन कि नेगेटिव पीपल से तो बच जाते हैं हम लोग, ठीक है, वो चीज़ तो है, हो गया. बट कभी कभार होती है कि हमने बहुत सारे जो सिचुएशंस हैं, बैड मोमेंट हैं, हैप्पी मोमेंट हैं. हैप्पी मोमेंट तो इंसान मुझे लगता है शायद से भूल भी जाता है, बैड मोमेंट बहुत ज़्यादा याद रहते हैं लोगों को. अगर उस हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है, तो हम उसमें अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, कैसे हम हमेशा अपने आप को चीयर अप करके रखें. तो डियर, ये एक वीडियो आपके लिए है. पहली बात, ऐसा एक सिंगल बंदा नहीं है, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बोला था, जो मैंने लास्ट टू लास्ट ट्यूसडे डाला था, कि रोजी पिक्चर किसी की भी लाइफ नहीं होती है. किसी की भी लाइफ में ऐसा नहीं है कि जिसने कभी दुख देखे ही नहीं हो. मैं तो ये बोलूँगी कि शायद उससे जो अंबानी है, टाटा है, सब कुछ है, उन्होंने भी दुख देखे होंगे यार, ठीक है. ऐसा किसी के पास नहीं होता कि सोने की चम्मच में खाता हुआ कोई पैदा हो जाता हो और बिल्कुल हीरे जवाहरात लेकर के चला जाता हो. ऐसा किसी की लाइफ नहीं होती है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, ठीक है. और कितना पॉपुलेशन है ना, कितने सारे लोग हैं, इन सबको जान दी हुई है, चींटी से लेकर एक आदमी तक, हाथी तक, सबकी, ठीक है. सबकी एक अपनी एक खुद की एक लाइफ होती है. मैं मेरे तरीके समझा रही हूँ, अगर मैं कुछ मेरी कोई बात गलत लगती है तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है. एक जो जानवर होता है ना, उसको भी दुख होता है, पक्षी है उसको भी दुख होगा, एक इंसान है उसको भी दुख होता है. कभी कभार उस दुख के चलते पता है क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लो, हमेशा गांठ बांध लो कि हर किसी की लाइफ में दुख है, हर किसी की लाइफ में, किसी को पहले होता है, किसी को बाद में होता है. हम हमेशा प्रे करते हैं कि नहीं हो ऐसा, बट कैसे ना कैसे करें. बट हाँ, ये बोल सकती हो किसी के में कम होता है, किसी के में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, किसी की लाइफ में. बट मैं ये बोलूँगी ये होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम हमारी लाइफ में उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे, हमेशा एक बहुत रोजी पिक्चर टाइप अगर आप लाइफ देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि ऑल ऑफ सडन इफ़ यू गॉट स्टक समवेयर, निकले कैसे उस चीज़ से. आपके तो हाथ पांव सब कुछ फूल जाएंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है. तो लाइफ को हमेशा ऐसे ही चलने
चलते रहना चाहिए, रोलर कोस्टर जिसको बोलते हैं ना, अगर आप जिस इंसान की लाइफ उस तरीके की है ना, मैं बोलूंगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बंदा या बंदी होता है लाइफ में। कैसे पॉजिटिव रहें उस मौसम में, उसमें देखो प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़ा सा। प्रैक्टिकल मैं नहीं थी और मैं अभी भी नहीं हूँ। कभी कभार हमको ज्ञान देना किसी को बहुत ज्यादा आसान लगता है। मैं आपको समझा दूंगी ठीक है, किसी बात के लिए। सपोज यही एग्जाम्पल ले लो, सुखी रहने वाला, हैप्पी रहने वाला, पॉजिटिव रहने वाला, मैं आपको समझा सकती हूँ ठीक है। बट हो सकता है विद इन फ्यू मिनट्स मैं ही सेम नाटक करने बैठ जाऊँ, मैं ही दुखी हो जाऊँ ठीक है। तो बोलते हैं ज्ञान देना बहुत आसान होता है, उसको खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। बट अगर एट द सेम टाइम इफ यू आर प्रैक्टिकल ठीक है, इमोशंस बहुत अच्छी चीज़ है, इमोशन इंसान के अंदर होना चाहिए ठीक है। बोलते हैं कि अगर आप रो रहे हो कुछ कर रहे हो तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा ठीक है। आप रो रहे हो तो अगर कोई रो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। रोने से होता है हमारा जब गला भर आता है ना, जब आप अपना रोना, आप दुखी हो, आप रो नहीं पा रहे हो, आप फील करोगे यहाँ पर दर्द। मैं मेरा ही बता रही हूँ, अगर मुझे लगता है ना किस दिन मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकलने हैं बट मैं निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन करके रहना है, तो उस केस में मैं बोलूंगी मत बनो स्ट्रांग, कमजोर बन जाओ, रो लो। क्योंकि वो अगर नहीं रोगे ना तो पता नहीं और बीमारियां आपके अंदर इकट्ठी हो जाएंगी। बट एट अनदर पॉइंट कि हमेशा इमोशन नहीं, कभी हमको प्रैक्टिकल होकर के चीजों को करना पड़ता है ठीक है। दोनों ही चीजों को हमको पैरेलल होकर के चलाना होता है। अगर आप इमोशंस और प्रैक्टिकल दोनों लाइफ को, दोनों ही चीजों को बैलेंस करके चला रहे हो अपनी लाइफ में तो आप पॉजिटिव रहोगे, आपको आपके दुख बहुत छोटे लगने लगेंगे ठीक है। और हमेशा एक चीज सोचनी चाहिए, जो हमको हमको दुख मिला है, हो सकता है उससे बड़ा दुख किसी और के साथ भी हो। कितने यार, आप, मैं अपनी बताती हूँ, अगर मैं 30 साल की हूं ठीक है, और मैं भी कितने लोगों को जानती होंगी, 1,000 लोग को, 10,000 लोग को, 1 लाख को ठीक है। मतलब 1 लाख तो मैं तो नहीं जानती होंगी, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। कितने लोग हैं, करोड़ों अरबों की संख्या है, आपको क्या पता किसकी लाइफ में और कि में क्या घटा है क्या नहीं घटा। सब जी सकते हैं। जो हम सबसे बड़ी बात जो बोलते हैं ना, तुमको अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, हम तो मर जाएंगे ठीक है। लोग ऐसे बोलते हैं ना, अगर इसको ऐसा कुछ हो गया ना तो मेरी तो एक सांस नहीं मैं ले पाऊंगी ठीक है, मेरी ये हालत हो जाएगी। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा किसी की लाइफ में नहीं होता। सब जीते हैं, सब अपने लिए जीते हैं, सब अपने लिए ही वो करते हैं। और प्रैक्टिकल होने की बात ये है कि सपोज अगर हम मरने और जिंदा होने की बात करें तो जन्म भी बहुत लोग लेते हैं, मरते भी बहुत लोग हैं, क्योंकि वो होना है, अमर कुछ नहीं होता ठीक है। अब वो तो हमारी कोई पुराणों की और उसकी तो बातें चल नहीं रही हैं कि एक बार हो गए तो भैया ये तो अब कहीं जाएगा नहीं, इसको तो यहीं रहना है ठीक है। पैसा है, आज किसी के पास ज्यादा है, कल किसी के पास कम होगा, किसी के पास कुछ ज्यादा होगा। एक इंसान का, लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता है आने या जाने, आने का तो नहीं जाने का, एक पैसे का बहुत ज्यादा होता है ठीक है। ब्रेकअप हो गया किसी के साथ तो दुख हो गया करके। यार एक चीज कहावत है बहुत वो, कि इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, जो आपके नसीब में लिखा है वो होगा, वेदर इट इज गुड और बैड और वर्स्ट या बेस्ट, जो होना होगा वो होगा। सो एट दिस स्टेज यू शुड बी प्रैक्टिकल, कि ये सोचो जब लग रहा है ना कि हाँ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर लिया, उसकी लड़की ने ऐसा कर लिया, एग्जाम्पल ठीक है, किसी की चीज को लेकर के किसी की बातें बनाना अपना, कि ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा होना था और किसी के साथ नहीं हो सकता था, तो ये सोचो कि ये है फेट है, ये डेस्टिनी है आपकी, ऐसा ही होना था। अगर आप थोड़ा भी 1% भी भगवान को मानते हो, कुछ मानते हो, अगर मानते हो भगवान को कि है तो फिर तो होना था, तो आप कितना भी जोर लगा लोगे वो निपटेगा नहीं ठीक है, आप संभाल नहीं पाओगे उसको, तो फिर रोने गाने पीटने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा ठीक है। तो ये सोचो कि अगर सब कुछ, अगर आप पहला आप प्रैक्टिकल बन जाओ, दूसरा अगर आप भगवान को मानते हो तो डेस्टिनी भी मानते होगे, किस्मत भी मानते होगे, तो भाई कब पत्ता गिरेगा, कब पेड़ में नया पत्ता आएगा, वो तो सब डेस्टिनी के हिसाब से होना है ना। तो फिर आप कौन होते हो, किसी पर उंगली उठाने वाले या फिर दुख को लेकर के बैठ करके रोने वाले। मैं अपनी मेरी स्टोरी बताती हूँ, आप फिर बोलोगे कि अगर मैं मेरी स्टोरी बताने लगूँ, एक नॉर्मल, एक ना
बहुत ऊपर ऊपर की बताती हूँ कि आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वॉज जस्ट 1.5 ईयर ओल्ड, माई ब्रदर वॉज 15 डेज ओल्ड. कितनी बड़े दुख की बात है, ठीक है, पापा की फीलिंग नहीं पता. माई माम, उसके बाद मेरे नाना नानी ने मुझे पाला. 12th क्लास में थी, मेरे नाना जी एक्सपायर कर गए और मैं वहाँ थी भी नहीं, मैं उन्होंने देखा भी नहीं. कितना बड़ा मेरे को अफसोस हुआ होगा, ठीक है, फिर भी हम जिंदा हैं, ठीक है, करा. उसके बाद आई गॉट मैरिड इन 14 फेब और मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई हैं 10 दिन के बाद जस्ट, ठीक है. मैंने मम्मी को नहीं देखा उस चीज़ का, तो वो दुख हो गया, ठीक है. लाइफ हमारी बहुत ऐसे ऐसे निकली क्योंकि पापा नहीं थे, मम्मी को सब कुछ सेट करना था, कैसे मैनेज करना था. तो कितनी चीज़ें होती है, क्या क्या होता है, हो सकता है जब हमें मम्मी की ज़रूरत पड़ी हो वो हमारे पास में नहीं हो, ठीक है. कब कब ऐसा हुआ होगा उन्होंने अपने बच्चों को अपने पास में रखना चाहा होगा बट वो नहीं कर पाई होंगी. अब ये मेरी लाइफ है, ठीक है, ये सब मैंने देखा, बट हो सकता है मुझसे भी बुरी किसी की किस्मत हो जिसने उससे भी बुरी चीज़ देखी हो. मैं कहूँगी मुझसे भी बुरी किस्मत, अगर मैंने अगर जो दुख देखे हैं बट अभी मैं सेटल हूँ, अगर मुझसे ज़्यादा कोई दुख देखा है तो मैं बोलूँगी मेरे भाई ने, क्योंकि जब मेरे पापा गए ही वॉज जस्ट ओनली 15 डेज, मम्मी गए तो मैं शादी होकर के मेरे घर में आ गई थी, वो अकेला था, ठीक है, उसने फेस किया सब कुछ करके और अभी वो सब कुछ खुद से कर रहा है करके. तो वो बोले अगर कि मेरी लाइफ तो बहुत एकदम से जहन्नुम है मेरे लिए, मैं मेरी बोलूँ तो भाई ये सोचो कि उससे ज़्यादा भी किसी की लाइफ जहन्नुम होगी. तो अपने आप को खुश मानो, खुश किस्मत मानो कि कम से कम आपकी उतनी बुरी लाइफ तो नहीं है जो और भी लोगों की उससे भी ज़्यादा बुरी होगी, राइट. तो मेरा कहने का मतलब है जो आपको मिला है, जितना आपको मिला है उसमें खुश रहो, ठीक है. लाइफ का किसी का किसी को नहीं पता, कोई पहले जाता है कोई बाद में जाता है, किसी के पास पैसा कम होता है किसी के पास पैसा ज़्यादा होता है. डोंट कंपेयर, ठीक है. और प्रैक्टिकल रहो, इमोशनल रहो, इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी रहो. दोनों ही लाइफ को बैलेंस करके चलो. आप, मैं बोलती हूँ आपसे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत सुकून फील होगा. इन्फ्लुएंस मत हो किसी चीज़ से. कभी कभार हम हमारी लाइफ को जहन्नुम बना लेते हैं दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर के, जो कि कहीं से कहीं तक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है. उसमें आप सिर्फ पछताते हो, आपको उस टाइम में एक्चुअली समझ में नहीं आ पाता कि आप कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और हड़बड़ाहट में जो नहीं करना होता वो कर चुके होते हो. तो चीज़ों को हमेशा जो मिला है ना आप सोच लो. और इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान को नहीं जानता. कोई अगर इंसान बोलता भी होगा ना मैं पूजा नहीं करता या मैं पूजा नहीं करती हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानता होगा. हे भगवान तो हर किसी के मुँह से निकलता है, हे भगवान, हे अल्लाह, हो गॉड, हर किसी के मुंह से निकलता है. तो मीन्स आप कहीं ना कहीं मानते हो कि हाँ वो है. और अगर वो है तो एक चीज़ को हमेशा याद रखो, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी. अगर आपकी किस्मत में है, हाथ में है, जैसा है जो है वही होगा. आप कितने डंके की चोट पे आप कुछ भी बदलने को कोशिश कर लोगे ना, नहीं हो पाएगा. जो होना होगा वो होगा. तो यस, खुश रहो, हैप्पी रहो, इमोशंस को जिंदा रखो बट प्रैक्टिकल भी रहो साथ में. और लाइफ बहुत खूबसूरत है, उसको जियो. एक सिंगल सिंगल जो हम फ्यूचर में कुछ होगा, हम कभी किसी चीज़ को लेकर के वो करते हैं ना कि अभी ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, सोचो मत, दुखी मत हो. उससे अच्छा है कि जो प्रेजेंट है ना आपका, जो चला जा रहा है सेकंड्स में, टाइम आपका निकल रहा है, उसको एंजॉय करो, उसको खुश होकर के रखो. आगे किसी को नहीं पता कल होना हो, ठीक है. किसी ने लाइन बहुत सोच समझ कर ही लिखी है, कल होना हो किसी को नहीं पता. तो सेकंड्स जो है ना उनको एंजॉय करो रादर देन वो काउंट करके, वो कलेक्ट करके अपने पास रखना कि इतने दुख हमने झेल लिए, इतने दुख हम झेलेंगे, इतना पैसे की हमारे पास कमी थी, इतना ये, ऐसा घर वैसा घर, ऐसे कपड़े वैसे कपड़े. नहीं, सेकंड्स को जियो. मेरे हिसाब से सेकंड्स जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. मैं ये बात अगर आपसे बोल रही हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने बहुत कुछ देख लिया. मैं फिर वही बोलूँगी कि मैंने अपना इतना बताया अगर आपको कि मेरी लाइफ ऐसी हुई, तो सोचो और भी कुछ भी हुआ होगा, बहुत बड़ा भी हुआ होगा, बहुत छोटा भी हुआ होगा. तो मैंने सिर्फ मेरी लाइफ से ये सीखा है कि सेकंड्स जियो, हर एक छोटी छोटी खुशी को जी लो. आपको नहीं पता कि कब क्या है क्या नहीं है करके, जब तक पेरेंट्स के साथ रह रहे हो बहुत खुश होकर के रहो, जब अकेले रह रहे हो तो उसको सोचो कि ये इसी तरीके से रहने का है ना. अभी आपके बच्चे हैं अगर आप मैरिड हो तो उन लोगों के साथ खुश होकर के रहो. लाइफ बहुत खुश होती है, सुंदर होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, उसको बहुत अच्छे से रखो. और आई होप आपने जो क्वेश्चन किया आपको अच्छा लगा होगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं क्या सोचती हूँ.
और अगर कोई भी क्वेश्चन किसी का भी है तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, ईमेल कर दो, सोशल मीडिया पे पूछ लो, जैसा भी हो। मैं नेक्स्ट वीडियो फ्राइडे सॉरी ट्यूसडे को ही अपलोड करूंगी टॉक विद दिल से, हैशटैग टॉक विद दिल से, और अपना क्वेश्चन डाल दो। एंड अगर इस क्वेश्चन में मेरी कोई भी चीज़ आप लोगों को अजीब लगती है या लगती है कि मैंने गलत बोली है तो प्लीज़ प्लीज़ करेक्ट मी, मेरे को ज़रूर ज़रूर बताना। एंड यस, इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, हैशटैग टॉक विद दिल से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड यस, देन हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। बाय।